गाइस, आज जो मेरे साथ क्लाइंट है वो है बोको से, और वो एक मॉडल है, और इन्होंने ये पहले भी मेरे पास आ चुकी है, और ये अपने हेयरों पे कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करती रहती है। पहले इन्होंने मेरे से एक्सटेंशन करवाया, फिर इन्होंने फिर ऊपर से कलर करवा के पूरा अपने हेयर कलर चेंज किया, फिर ऊपर से उन्होंने अपने हेयर पे स्ट्रेट भी कर दिया, और काफ़ी डैमेज हो गया है उनका हेयर। वो आज मेरे पास रिफिलिंग के लिए आई है। आज इनका 4 टाइम रिफिलिंग है, लेकिन इस बार इनके हेयर का हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। पूरा सा टेंगल्स हो गया है, क्योंकि इन्होंने केयर नहीं किया है अपने हेयर्स का। और ऐसे ही आगे अब हम के हेयर सारा रिमूव करेंगे, रिमूव करके और इनके हेयर पे अब एक ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद हम इनका एक्सटेंशन लगाने का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो गाइस, हमने इनका हेयर ट्रीटमेंट करवा लिया था, उसके बाद ये इनका फाइनल रिजल्ट आप देख सकते हैं। इतना टेंगल्स वाला हेयर था, और अभी इनका हेयर का शाइन आप देख सकते हैं। यही आप देख सकते हैं कि बिफोर और आफ्टर मैंने इसी वीडियो पे ही दिखाया है। आप देखिए इनका हेयर कितना सॉफ्ट एंड स्मूथ हो गया है, काफ़ी शाइन आ रहा है। इसके बाद मैंने इनके हेयर पे एक्सटेंशन लगाया है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद मैंने थोड़ा सा एक्सटेंशन के प्राइस के बारे में बताया है आप सबको, तो आप लोग ये वीडियो में बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। गाइस, काफी सारे लोग मुझे एक्सटेंशन के प्राइस के लिए पूछते हैं कि एक्सटेंशन का प्राइस कितना होता है। तो एक्सटेंशन का प्राइस हम अभी ऐसे तो नहीं बता सकते कि कितना होता है एग्जैक्टली। तो प्राइस पर स्ट्रैंड अभी पूजा ऑफर हमारा चल रहा है 200 से स्टार्टिंग है, और वो लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना लेंथ पे लगाओगे। तो ये पर स्ट्रैंड इसको बोलते हैं, जो पर स्ट्रैंड बहुत लोगों को पता नहीं चलता है कि स्ट्रैंड क्या है, ये है पर स्ट्रैंड। इसको बोलते हैं एक स्ट्रैंड जो है, इसी को बोलते हैं। और ये पर स्ट्रैंड के हिसाब से प्राइस होता है, और ये प्राइस जो होता है 200 से स्टार्टिंग है। उसके ऊपर भी है 300, 400, 500, जितना आप लॉन्ग लगाओगे उतना ही प्राइस उसका इंक्रीज होते रहेगा। और एग्जैक्ट हम इसलिए नहीं बता सकते कि कुछ लोग वॉल्यूम के लिए लगाते हैं और कुछ लोग लेंथ के लिए। तो अगर आप लेंथ के लिए लगवा रहे हैं तो वो डिपेंड करता है आपका हेयर ग्रोथ कितना है और आपके हेयर में कितना स्ट्रेंथ लगेगा। और अगर आप वॉल्यूम के लिए लगा रहे हैं वो भी डिपेंड करता है आपके हेयर के ऊपर कि आपके हेयर में कितना स्ट्रेंथ लगेगा वॉल्यूम के लिए। तो गाइस, हम ऐसे एक्सटेंशन का प्राइस हम डायरेक्टली तो नहीं बोल पाते हैं। अगर आप लोग को एक्सटेंशन के लिए और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मुझे आप लोग कॉल कीजिए या फिर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आप लोग देखते रहिएगा एंड तक। मैम का हम लेंथ के लिए कर रहे हैं, और इन्होंने आज तीसरी बार इनका रिफिलिंग हम कर रहे हैं, और रिफिलिंग इतने बार करने के बाद इनके जो रियल हेयर है बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं। ये तीसरी बार हम रिफिलिंग कर रहे हैं, और इसके बाद का जो रिजल्ट है आपको दिखाएंगे। बिफोर हेयर आप लोगों ने देखा है कैसा है, और ये आफ्टर रिजल्ट आप लोगों को दिखाएंगे। तो प्लीज वीडियो में बने रहिएगा और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो गाइस, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, आप देख सकते हैं पहले से इनका हेयर कितना डैमेज और रफ हो गया था, और अभी देखिए इनका हेयर कितना सुंदर दिख रहा है। फिर अभी इनसे हम अपना फीडबैक भी लेंगे कि कैसा लगा इनको हमारा सर्विस, और ये जबकि मेरे पास कंटिन्यू आ ही रही है तो आज मैं इनका फेस दिखाने वाली हूँ गाइस। तो ये अपने लैंग्वेज में हमें बताएंगी इनको ये कैसे लगा, तो ये लैंग्वेज किस किस को आता है, तो गाइस प्लीज कॉमेंट में बताइएगा। तो गाइज, हमारा एक्सटेंशन कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हैं ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। हमने इनके हेयर में एक ट्रीटमेंट किया है। बिफोर हेयर आपने देखा इनका बाल इतना डैमेज था, काफ़ी डैमेज था, क्योंकि इनके हेयर में बहुत सारा कलर है, तो कलर होने के बाद इनके हेयर बहुत डैमेज हो गए थे। तो आज हमने इनके हेयर में एक ट्रीटमेंट किया, फिर इनका रिफिलिंग किया, और ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। और आज इनका फेस में दिखाऊंगी, ये हमने 3rd टाइम रिफिलिंग किया है इनके हेयर में, और इस बार मैं इनका फेस दिखाने वाली हूँ। और इनको आप लोग पहले भी मेरे वीडियोस में देख चुके हैं, और ये है रश्मि, और ये है रश्मि, और ये है बाक्सा से। अब इनसे हम इनके लैंग्वेज में सुनेंगे कि इनको हमारा एक्सटेंशन कैसे लगा, और इतने टाइम से इन्होंने एक्सटेंशन अपने हेयर पे लगा के रखा, इनका एक्सपीरियंस हम जानेंगे लेकिन इनके लैंग्वेज में। और आप में से किन किन को ये लैंग्वेज समझ में आता है तो कमेंट में जरूर बताइए, और बताइए जरूर इन्होंने क्या बताया। तो चलिए जानते हैं रश्मि से, रश्मि एक्सटेंशन कैसे लगा आपके लैंग्वेज में बताइए। Hello guys, आंग मुआंजा बाय रश्मि ब्रह्मा, आंग बाक्सा सिमलन रिफिडम, आंगने आई है 3rd टाइम जाबाय हेयर एक्सटेंशन खालामनाया, आमफाय रिफिलिंग खालामनाया। सो नोंथांमोना जाय जाय माने हेयर एक्सटेंशन खालामनो सानदों बे पार्लर फैबानो जाबाय, बे पार्लर नि मुंगानो जाबाय आर चौधरी फैमिली पार्लर,
अगर रिजल्ट अच्छे लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और मेरे इस वीडियो को भी शेयर कर दे ताकि कुछ लोगों तक मेरा ये वीडियो पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो पे।